यमन पाक अफगान बॉर्डर 7 माह बंदिश के बाद सूबाई वजीर इंजीनियर जुमरे खान अचकज़ई ऑल पार्टीज ताजर इत्तेहाद का वफाकी हुकूमत से कामयाब मुजाकरात के बाद आज बाबे दोस्ती 2 तरफा पैदल आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। मजीद तफसीलात यमन से हमारे ग्रेट न्यूज के नुमाइंदे हबीबुल्लाह बशर दोस्त बता रहे हैं जो इस वक्त वहाँ बाबे दोस्ती पर मौजूद हैं। जी मौजूद हूँ बलिस्तान के सरहदी शहर चमन जिला किला अब्दुल्ला में। इस वक्त मेन बाब दोस्ती पर जो पिछले 6 माह से बंद थी, जिससे चमन की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, खास लगड़ी एहतियात को ताजर एहतियात को आज माशाल्लाह पूरी तौर जो है ना बाब दोस्ती को खोल दिया गया। हफ्ते में जो है ना 7 दिन जो है ना बाब दोस्ती खुला रहेगी, मुसाफर हजरात बिल्कुल आ सकते हैं, वो बिल्कुल अफगानिस्तान जा सकते हैं। अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान एंट्री करके लोगों को जो है ना अफगानिस्तान दिया जा रहा है। यहाँ पर लोग बहुत खुश हैं, वो खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। पिछले 7-6 माह से जो है ना जो दरवाज़ा बंद कहना है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो पिछले 6 माह से जो दरवाज़ा बंद था हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आज बड़ी तादाद में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएगा पीछे से जो है ना बहुत मुनज़म तरीके से लोग यहाँ से जो है ना जाते हैं अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से यहाँ पाकिस्तान में इंटर हो रहे हैं। बड़ी खुशी की समा है क्योंकि पिछले 7 माह से ये दरवाज़ा बंद था जिसे हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आज बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं जिसे हमें जो है ना बहुत खुशियाँ महसूस हो रही है। कैमरा टीम के साथ ग्रेट न्यूज़ चमन।